छतरपुर की जहां पर मातगुंबा थाना क्षेत्र के रंगोली तिगड्डा के पास हुए हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। जुलाई महीने में दीपक यादव नामक युवक की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही थी। तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए और मुखबिरों से सूचना मिलने के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लूट की बाइक सहित अवैध कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। आरोपी पप्पू यादव और सर्वज्ञ गर्ग को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की तैयारियां पुलिस कर रही है। जुलाई में एक सनसनीखेज घटना हुई थी जहां पे दीपक यादव की हत्या की गई थी और लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। आवेदन जिस प्रकार से दिया गया था उसी हिसाब से कायमी की गई थी, और क्योंकि इसमें काफ़ी पहलू थे जिन पर जांच की जानी थी, एक ये भी संभावना थी कि शायद सिर्फ हत्या की गई हो और लोगों ने लूट का जो प्रारूप है वो बनाने की कोशिश की है। इसमें बहुत प्रयास किया गया, SIT का गठन भी किया गया। अंत में मुखबिर की सूचना के आधार पर ये ज्ञात हुआ कि ये दो जो आरोपी हैं पप्पू यादव और सर्वज्ञ गर्ग, इनके द्वारा इस प्रकार की घटनाएँ लगातार जो बिजावर अनुभाग है उसमें की जाती है।